अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। आप लोगों के साथ जाना एक मज़े की चीज़ शेयर करनी थी, मज़े की तो नहीं कह सकती, जो कि हाँ जी, तो आप लोगों के साथ जो है ना वो एक बात शेयर करनी थी जो कि मैंने अभी रिसेंटली मुझे पता चली है, और मैंने कहा नहीं, मैं भाग के जाती हूँ, जाकर इस पर व्लॉग बनाती हूँ ताकि सबकी मिस अंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए। सो जी, ये ब्लॉग जो है ना वो पूरा का पूरा जो है ना वो मैं डेडिकेट करती हूँ यूनिक एसएमआर को। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम यूनिक एसएमआर, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगी, घर में सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा आपको कामयाबियाँ मिले, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको छत का व्यू कराती हूँ यूनिक एसएमआर। देखें मेरी छत, आपकी छत इतनी साफ़ सुथरी होती है, इतनी साफ़ सुथरी होती है ना कि दिल करता है बंदा ना वहाँ पर चटाई बिछा के तो बैठ जाए सारा दिन, इतना अच्छा साफ़ सुथरा आप रखती हैं। लेकिन मैं जो है ना इसमें भी नाकाम रहती हूँ, मेरा फिर भी कचरा खिलड़िया ही रहता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए स्पेशली टाइम निकाल के आई हूँ, ये कोई मेरे आप पे ऊपर एहसान नहीं है बल्कि स्पेशली आपके लिए आई हूँ। और आपसे ये बोलना था कि मैंने आपका व्लॉग देखा, आपका व्लॉग मुझे कैसे पता चला, मैं पहले आपको ये शेयर करती हूँ। पहली बात ये कि इतना इंसान, आपको भी पता होगा कि हम लोग इतने बिज़ी हैं, जैसे आपने बताया कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग भी इतने बिज़ी होते हैं, मेरा तो इतना खलारा जो कि मुझसे समेटा ही नहीं जाता। तो मैं रात को सोने लगी और अचानक से मुझे एक कमेंट आता है, ठीक है, मुझे नोटिफिकेशन शो हुआ कि भाई यूनिक ऐसा मार्क को किसी ने कह दिया है कि उसको पता नहीं क्या वो बात हुई थी कि मिनी लिबी ने जो है ना यार ऐसा मार्क को कहा कि तुम फ्यूचर के मिनी लिबी हो, तो इससे जो है ना यूनिक ऐसा मार्क सैड है और जाकर आप उनके लिए ना उनको कमेंट करें, या एक दो तीन लफ्ज़ बोले उन्होंने कि आप काइंडली उनको जो है ना अप्रिशिएट करें कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो जो भी, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा मैं ना देखती हूँ, तो ये मैंने तो आप ही नहीं सी पता, ठीक है। जैसे यूनिक एसएमआर आपको नहीं पता था ना कि मिनी लिबी ने मुझे ये लफ्ज़ बोले, तो ऐसे जो है ना मुझे भी नहीं था पता कि आपको किसी ने ये लफ्ज़ बोला है कि भाई तुम जेलस हो रही हो, तुम ये हो रही हो, तुम वो हो रही हो। और आपका व्लॉग देखा, आपके व्लॉग जो है ना मैंने पूरा का पूरा देखा, और मैं आपको जो है ना इसका पूरा जो है ना वो आंस करती हूँ। लेकिन ये जहाज़ मियाँ जाने दें, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, मैंने जब आपका ब्लॉग देखा तो फिर मुझे पता चला जी क्या बात हुई है, कि गल बात हुई है। फिर मैंने आपका पिछला ब्लॉग देखा, मैंने कहा पता नहीं कौन सा कमेंट है जो इस तरह से जी किसी ने आपको किया है। मैं साथ साथ जो है ना कोई जो है ना छेड़ा छाड़ी भी कर लेती हूँ, या पानी निकाल लेते हैं उस टेक्सचर का, ताकि काम भी हो जाए साथ मेरा और मैं आपके साथ अपनी बात भी जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने जब देखा ना कि इस तरह से बात हुई है कि भाई ऐसे जो है ना आपको किसी ने यूनिक ऐसा मार्ड को ये लफ्ज़ बोले कि भाई आप जो है ना अगर मेरी लिबी ने ये बोल दिया, जो भी बोला, ठीक है, मैं उसका जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना वो लफ्ज़ मैं नहीं दोहराना चाहती, ना ही मैं बोलना चाहती हूँ किसी के लिए भी ये लफ्ज़ मैं कभी भी नहीं बोलूँगी जैसे उसने बोला। तो पहली बात ये यूनिक ऐसा मार्ड कि आपने कहा ना कि ये हो गया एक मंथ हो गया और मुझे ये सब कुछ बैड कमेंट सुनने को मिल रहे हैं और सारा कुछ है, तो इसमें मैं अगर किसी की गलती काउंट करूँगी ना तो वो मैं आप ही करूँगी। इसको पॉजिटिव वे में आप लोग, आप जो है ना मेरी बात को पूरा सुनिएगा, पूरा व्लॉग एंड तक देखिएगा, फिर आप जो है ना इस पर भी मेरे लिए भी कोई व्लॉग बनाइएगा अगर आप चाहती हैं, या मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। हम लोग जो है ना वो इतने काबिल तो है नहीं है कि हमारे लिए व्लॉग बने, लेकिन आप जो है ना आपके लिए मैं स्पेशली व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि भाई एक बंदा है जिसको इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है, और हुआ भी जिसकी वजह से है, और उसको भी जो है ना वो पता ही नहीं है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशली व्लॉग बनाया। अब सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि ये जो है ना हमारी गलती होती है कि हम दूसरों को जो है ना वो मौका दे देते हैं बात करने का, ठीक है। जब हम किसी को मौका नहीं ना देते बात करने का, और तो फिर हमें कोई भी बात नहीं कर सकता। एज लाइक जैसे कि हम अगर फैमिली में आपको कोई बात करता है ना, अगर आप उसको चिढ़ के बोलते हो ना कि हाँ तुम ऐसे, तुम भी ऐसे हो गए, तुम भी वैसे हो गए, तुम फलाना, तो फिर वो और ज़्यादा कोई आपकी फैमिली में से दूसरा बंदा भी आपको इसी तरह से टॉन्ट करेगा, उसी तरह से बात करेगा, उसी तरह से चेज करेगा, ठीक है, उसी तरह से ट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये हमारी गलती होती है, मैं अपनी भी फॉल्ट निकालूंगी, ये हमारी गलती होती है जब हमें कोई बैड कमेंट करता है ना। बाज़ा तो हमारी गलती नहीं होती कि भाई सारा काम कर रहे होते हैं, फिर कोई आके कह दे भाई तेरा काम ही अंजदा है, तेरा काम ही अंजदा है, तेरा काम ही अंजदा है, तो वो हमारी गलती जो है ना नहीं होती। लेकिन हाँ, कोई आकर आपको ये कह के आपने ये कह दिया, आपने वो कर दिया, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, तो वो हमारी गलती होती है। वो ये होती है
कि हम हर बात को जो है ना सीरियस ले लेते हैं, हर बात को जो है ना पकड़ के बैठ जाते हैं और हर बात को जो है ना दिमाग पे हावी कर लेते हैं, जिससे लोग जो है ना वो इसमें जो है ना इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि भाई ये बंदा जो है ना इस बात से डिस्टर्ब होता है या इस बात से हर्ट होता है तो इसको छेड़ना, इसको तंग करना। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, ये नहीं कह रही कि नहीं होती, ठीक है, हमारी फैमिली में भी होती है और आउट ऑफ फैमिली में भी होती है, ठीक है। जहाँ जाओगे आपको अच्छे बुरे इंसान मिलेंगे, तो आपको ये चीज़ समझाऊंगी, मैं छोटी हूँ आप बड़ी हो, तो आपको एक ये चीज़ बोलूँगी कि आपकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में कितनी है, मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले तो आप डे वन से हीरो कहूँगी, हीरोइन नहीं कहूँगी, आप हीरो हैं हमारी, ठीक है, हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी मोटिवेशन है, और आपने डे वन से हमें हर काम सिखाया है, नो डाउट, हार्डवर्क किया आपने, आपने अपना 100% दिया है, नो डाउट, बीमारी में भी आपने काम किया है, नो डाउट। और मुझे याद है कि मैंने फर्स्ट व्लॉग भी आपके लिए बनाया था कि जिसमें आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, और स्पेशली व्लॉग आपके लिए बनाया था, तो मेरी रिस्पेक्ट अभी भी वैसी है जैसे डे वन से थी, ठीक है। दरमियान में इश्यूज आते रहते हैं ना, तो उसकी वजह से मैं कमेंट करना बंद कर दी। मैं यूजुअली किसी के भी चैनल पर कमेंट नहीं करती, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि कोई दूसरा देखने वाला ये ना सोचे कि भाई ये सिंपैथी लेने के लिए कमेंट करती है, क्या पता वीडियो भी देखती है कि नहीं देखती, ठीक है। इस तरह होता है ना, जैसे हम अक्सर ऐसे देखते हैं कि भाई ये बंदा इसको भी कमेंट कर रहा है, उसको भी कमेंट कर रहा है, उसको भी कमेंट कर रहा है, तो क्या वाकई इस बंदे के पास इतना, खास तौर पर एसएमआर्स की बात करी कि वाकई इस एसएमआर के पास इतना टाइम है कि ये सबको कमेंट भी करती है, सबकी पूरी पूरी वीडियोज़ भी देखती है और सबको मोटिवेट भी करती है, सबको सपोर्ट भी करती है, क्या वाकई इसके पास इतना टाइम है और ये अपने चैनल्स भी रन कर रही है, चैनल्स भी चला रही है, तो ये चीज़ ज़रा ना सोचने में आती है। तो इसलिए जो है ना, मैं ये नहीं कि मैं नहीं देखती, मैं वीडियोस भी देखती हूँ, समटाइम्स ऐसा होता है नहीं भी देखती, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं आपकी पूरी पूरी वीडियोस देखती हूँ, या आपकी आपकी जो है ना कभी हो जाए कि बड़ी अच्छी वीडियो लगी है, यानी अभी पीछे सैंड सीमेंट की आपने स्लैब सी बनाई थी, मैंने उसकी वीडियो देखी, ठीक है, ये नहीं है कि अभी देखेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, यानी मैं देखती हूँ लेकिन कमेंट नहीं करती, क्योंकि फिर कोई ऐसे आके कह दे कि भाई आप तो शायद आप तो जो है ना वो लेने के लिए जो है ना क्रेडिट लेने के लिए कुछ इस तरह से आप देख रही हैं, व्लॉग लंबा होगा, मेरी बातें सारी सुनी है आपने, ठीक है। तो ये बात है, और आप जो है ना, मुझे पता है आप डे वन से हार्ड वर्क कर रही हैं और आपकी वजह से हमें सीखने को मिला, सब कुछ सीखने को मिला। हम लोग कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई हम जो है ना सीखे सिखाए आए हैं, या क्या उसको कहते हैं कि हम जो है ना हमारी वजह से चैनल जो है ना वो आगे गया है, ऐसा मैं कभी भी, मैंने तो कभी भी ये लफ्ज़ कभी भी यूज़ नहीं किया और ना कभी करूँगी कि मैं भाई अपने बलबूते पर आगे गई हूँ, नहीं, आप लोगों का भी हाथ है, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों के ट्यूटोरियल्स देख देख के हमने सीखा है भाई ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। पहले भी एक इशू हुआ, मैंने इग्नोर किया, दूसरा इशू हुआ, इग्नोर किया, इग्नोर जो है ना वो कह लो कि इग्नोर ही करना पड़ता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें आपको जवाब देना जो है ना वो नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ये चीज़ समझती हूँ, मैं छोटी हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं हर चीज़ में जो है ना अपना पूरा पूरा हिस्सा डाल के तो आगे जो है ना क्या उसको कहते हैं उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के करूँ, ठीक है। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है उसको एक दफ़ा सॉरी करो और दैट्स इट, पीछे हट जाओ, मेरा ये कहना है। आप लोग भी बताइएगा, मेरे तमाम सब्सक्राइबर देखने वाले वो भी बताइएगा, आपकी पूरी बात सुनी, आपने कहा कि भाई हद होती है ये चीज़ की कि आपके सब्सक्राइबर्स आकर जो है ना वो इस तरह से बोलें, या ए आर एस एम आर वैसे है, और भाई ए आर एस एम आर कुछ भी नहीं है, मैं अपनी बात करती हूँ, ए आर एस एम आर यहाँ पर है, अगर अल्लाह ना करे ए आर एस एम आर को कल को कुछ हो जाता है तो ए आर एस एम आर को कोई याद भी नहीं रखेगा, ठीक है। तो ए आर एस एम आर कुछ भी नहीं है, कोई इंसान जो है ना वो इतना सुपर हीरो नहीं होता कि जो है ना आप कहें कि भाई ए आर एस एम आर ऐसी है, भाई ए आर एस एम आर, मैं आम सी बंदी हूँ, मेरे में कोई इतना टैलेंट नहीं है, मैं बस अपना काम करती हूँ अपने शौक के लिए, पैशन के लिए और आप लोगों को खुश रखने के लिए, ना कि मेरा इसमें है जी मैंने उसको ये कहना, मैंने उसको ये कहना, या मैंने उसको वो करना है, या उसके खिलाफ करना है, या मैं यहाँ होता है ना कि ये इस बंदे ने इतना अच्छा काम किया अब इससे बढ़ के करूँगी, भाई नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाऊँगी तो मैं क्यों इतना जो है ना कॉम्पिटिशन करूँ किसी के साथ। और मेरा तो किसी सीनियर, मैं सभी को बोलूँगी, मेरे से जो जितनी भी सीनियर्स हैं, यानी मैं सबसे जूनियर हूँ और मेरे से जितनी भी सीनियर्स हैं, मैं तो किसी के मुकाबले में भी नहीं हूँ, भाई आप सभी मेरे से आगे हैं, मैं किसी के भी मुकाबले में नहीं हूँ, और मैं सच में किसी को भी जो है ना वो खुद से कमतर नहीं समझती, सबको मैं अपने से ऊपर समझती हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास वो चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है। आप जो है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि भाई अच्छे से अच्छे इंप्रूव करूँ, जो जो सब्सक्राइबर्स मेरे कहते हैं, मेरी फैमिली जो भी कहती है, मैं वो करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं खुद भी सेटिस्फाई रहूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी सेटिस्फाई रहे, वो खुश रहें, अगर वो स्ट्रेस में आए तो वो उनकी उनका ये स्ट्रेस खत्म हो जाए, यानी एक पॉजिटिव जो है ना वे में मैं जो है ना वो चलती रहती हूँ कि भाई यहाँ से अगर नहीं हो पा रहा तो मैं आगे से सब्सक्राइबर्स को कह देती हूँ भाई ये नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं होगा मेरे से, मैं अपनी क्रम्बलिंग को इम्प्रूव करती रहती हूँ ताकि मैं कुछ सीखूँ,
मैं आपके आपसे कुछ सीखूं, मैं अपने इस YouTube से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है और सीखती रहूंगी। ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं सीखा, अपनी YT फैमिली से और अपनी YouTube से, अपनी जो तमाम ऐसे हमारे आर्टिस्ट हैं उनसे सब कुछ सीखा है मैंने। नहीं कैसे हमारा आपसे क्या सीखा है मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपसे सीखा है कि अपने वर्क प्लेस को किस तरह से मेंटेन करना है, कैसे उसको साफ रखना है, कैसे आपने टेक्सचर्स को बिल्कुल एडजस्ट करके रखना है। टू बी ऑनेस्ट मैंने आपसे ये सीखा है, ठीक है। बाकी ऐसे मार्ट्स मेरे लिए भी है तो उनसे एक चीज़ सीखी है कि जो बैड कमेंट्स हैं, जो कोई गलत बात कर रहा है, जो आपको डिसार्ड कर रहा है, उसको इग्नोर करो, ठीक है। लोग अरे इसकी क्रम्बलिंग करते हैं साथ साथ। तो ये देखिए समार, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा मेरा। मैं जो है ना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी होता है और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी की सारी बातें सुन सके। तो यही बोलूँगी कि मेरी जान, आप कभी भी ये चीज़ जो है ना अपने जहन से निकाल दें कि ASMR जो है ना वो आपको कभी बैड कमेंट करेगी, या ASMR की ID से, या हैप्पी लाइफ ब्लॉग की ID से, या ASMR की ID से। ये तीन मेरी ID हैं, या चौथी ASMR एडिट्स। इन चारों में से अगर आपको कोई बैड कमेंट आता है ना, फ़ौरन से स्क्रीनशॉट लोगो और बड़ा सारा व्लॉग बना के आप मुझे बताओ कि भाई तुमने ये बात की है, ये तुमने किया है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, ना तो पहले मैंने कभी इस तरह से आपके साथ कोई बात की है और ना आप करूँगी, ठीक है। जो बात मुझे बुरी लगी है ना, आपने मुझे कहा कि भाई ASMR करती हैं, ASMR को बेशक वज़ीर आज़म बना दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो किसी ASMR को भी, कोई किसी ASMR से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सबको होता है कि भाई हम बेस्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं है। मुझे यही है कि नहीं भाई, जो बेस्ट है वो बेस्ट है, हम भाई नहीं हैं इतने, ठीक है। आप बेस्ट हैं हमें पता है, ठीक है। और आपने बहुत एफर्ट की है, वी नो, नो डाउट, कोई जो है ना इसमें शक नहीं है। आपने जो है ना कितनी मेहनत की है, कहाँ तक पहुँची है, क्या किया आपने, आप मुझे पता है आपने मेरे लिए भी बहुत सारे मतलब के व्लॉग्स बनाए थे। आपने बोला कि भाई ये ASMR जो है वो ये ऐसे वो, लेकिन मैंने कभी उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं किया। मैं ना कभी उस बारे में सोचती हूँ, ना कभी सोचा है, क्योंकि दिल से जब किसी को एक्सेप्ट करो, या दिल से कभी किसी के साथ रिश्ता बनाओ, या दिल से किसी को रिस्पेक्ट दो ना, तो फिर उसकी इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। और हमारी कम्युनिटी ऐसी है, एक वाहिद हिस्ट्री में ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर हम ऐसा मार्स एक दूसरे को इतना सपोर्ट करती हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि शायद ही कोई और जो है ना वो कंटेंट में इस तरह से कोई करता होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे सब्सक्राइबर्स भी एक दूसरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि ये हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, ये लिमिटेड हैं, ठीक है। ये आपके चैनल पर भी आ रहे हैं, मेरे चैनल पर भी आ रहे हैं, दूसरे सारे चैनल्स पर जाते हैं और जाकर उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको बताते हैं आप ये करें, आप वो करें, आप ये करें। हमें कहाँ से आइडियाज़ आते हैं? उनकी वजह से ही आते हैं, भाई आप फ्लोर पर क्रम्बलिंग ऐसे करें, आप उसके ऊपर ये कलर डालना, वो कलर डालना, यानी ये हमारे सब्सक्राइबर्स बताते हैं। तो मुझे जो बात बुरी लगी है ना, वो टू बी ऑनेस्ट वो ये लगी थी कि आप जो भी बात करें करें, मुझे बात करनी है आपको, मेरी कोई बात बुरी लगती है आप मुझे करें कि भाई ASMR ने मुझे ये बोला। लेकिन कभी भी आप जो है ना ASMR के सब्सक्राइबर्स को दोबारा ये चीज़ नहीं बोलेंगे। मैं आपको बड़े रिस्पेक्टफुल मैनर्स में कह रही हूँ कि आप कभी भी ASMR के सब्सक्राइबर्स को गलत नहीं कहेंगी, और ना ही कभी ASMR सब्सक्राइबर्स को कहेंगी कि ये ASMR सब्सक्राइबर्स जो है ना आकर मुझे हर्ट करते हैं, या मुझे इस तरह करते हैं, या मुझे ये कहते हैं, या मुझे वो कहते हैं। वो जो आपको सब्सक्राइबर, जो भी जिसने भी आपको कमेंट किया, बिलीव मी, आप मेरे जितने व्लॉग्स हैं, जितने वीडियोस हैं, उन सब के ऊपर जाकर चेक करें कि उनका एक भी कमेंट मेरे पे आया हो, या मेरा उनके साथ कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट हो, या मैंने उनसे कभी कोई कमेंट किया हो या रिप्लाई किया हो, तो आप मुझे कहें कि भाई ये आपकी सब्सक्राइबर है, तो आपने इसको कहा है तो ये आपके पास आई है, या आपने एक और बात कही कि गोला समार को बोले कि इसने अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से इसके सब्सक्राइबर्स मुझे आकर ये चीज़ें बोलते हैं। तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को ये बोलूँगी कि काइंडली यूनिक ASMR को जाकर ये बताएं, और या यूनिक ASMR, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आप मेरे सारे व्लॉग्स देख लें, आपको एक भी व्लॉग में आपके खिलाफ कोई बात ऐसी मिलती है जिसमें मैंने आपको कहा है कि यूनिक ASMR ऐसी है, यूनिक ASMR का तरीका ऐसा है, यूनिक ASMR का बिहेव ऐसा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना अब बताओ कि क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको इतनी श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि मैंने कभी आपके बारे में या किसी और ASMR आर्टिस्ट के बारे में कोई बात की ही नहीं। जब भी की है अच्छे से की है, नहीं कर सकती अच्छे से तो मैं चुप रहती हूँ, ठीक है।
कभी मैंने कोई बात गलत नहीं की और ना करूँगी, क्योंकि मेरी जो नेचर है ना वो ऐसी है कि मैं अपने चैनल पर सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाती हूँ और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। जो स्ट्रेस में होते हैं, जो परेशान होते हैं, वो मेरे ब्लॉग देख के, मेरी बोंगियाँ सुन के हंस लें, खुश हो जाएँ बस, और मैं भी अपनी वीडियोज़ देख के या अपना सेटिस्फेक्शन पूरी कर लूँ अपनी वीडियोज़ देख के। बंदा हर जो है ना, बंदा अपनी अपनी लाइफ में बड़ा डिस्टर्ब होता है, तो मेरा होता है कि मैं अपनी आप को इन चीज़ों में जो है वो बिज़ी रखूँ, ठीक है। तो ये साथ क्रम्बलिंग हो जाए यूनिक एस एम आर आपके लिए भी।